करने जा रही है। उसी की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने करनाल की नई अनाज मंडी का दौरा किया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि खरीद को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। किसान को फोन पर मैसेज किया जाएगा, उसके बाद वह अपनी फसल मंडी में लेकर आ सकेगा। जिस किसान ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको मैसेज भेजा जाएगा कि उस दिन वह अपनी फसल लेकर आ सकता है। जब हमने नई अनाज मंडी के प्रधान रजनीश चौधरी से बात की तो उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि ना ही प्रशासन के द्वारा हमें अभी तक कोई बरदाना दिया गया है और मौजूदा हालात से नहीं लगता कि कल गेहूं खरीद की तैयारी मंडी प्रशासन के द्वारा की गई है। अब की बार किसानों की फसल की पेमेंट उनके खातों में जाएगी। इसका भी उन्होंने विरोध जताया और कहा कि हम अपने मजदूरों के पैसे कहां से देंगे अगर सीधा पैसा किसानों को दिया जाएगा। इसीलिए वह चाहते हैं कि जो भी किसान अपने कमीशन एजेंट के जरिए पैसे चाहते हैं तो वह ऑप्शन उनको दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा में कल 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू कर दी जाएगी, परंतु मंडियों के जो हालात हैं वह अभी राम भरोसे ही हैं। देखना यह होगा कि इस सीजन में किसानों के लिए कितनी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाएगी। 10 प्रिंसिपल यार्ड हैं, 10 मेन मंडियां हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 सब यार्ड हैं और 10 परचेज सेंटर हैं। कुल मिलाकर 23 खरीद केंद्रों में गेहूं की सरकारी खरीद की जानी है। इसके अलावा अगर आवश्यकता हुई एडिशनल सेंटर बनाने की तो वो उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में ऊपर चंडीगढ़ सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। आज 2 बजे DC साहब ने प्रोक्योरमेंट के बारे में सभी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और खरीद एजेंसियों की बैठक रखी है, उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि एडिशनल मंडी कितनी और की आवश्यकता होगी। ओके, डिमांड आई है सर एडिशनल जो कच्ची मंडी जो बना रहे हैं, डिमांड आई है कहीं से? एडिशनल मंडियों की असंध से डिमांड आई है, साथ उन्होंने राइस मिल्स में डिमांड रखी है। जो खरीद एजेंसी के जो इंस्पेक्टर है उसने डिमांड रखी है अपने DFSC को, उसने डिमांड दिया कि 7 राइस मिल्स में एडिशनल प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए जाएँ। 2 राइस मिल्स में तरावली में डिमांड आई है खरीद एजेंसी के इंस्पेक्टर के माध्यम से उनके DFSC के पास कि उनमें अस्थायी खरीद केंद्र बनाए जाए। तो सर जो बारदाने की अगर बात करें, बारदाना वगैरह सर? बारदाना जो है वो DFSC साहब ही बता पाएंगे बारदाने के बारे में, क्योंकि बारदाने की जो डिस्ट्रीब्यूशन है खरीद एजेंसियों द्वारा ही आढ़तियों को की जाती है। ठीक है सर, आपका परिचय सर? ईश्वर सिंह राणा, DMEO। जो से खरीद से पहले जो तैयारियाँ होती हैं कि इंस्पेक्टर्स आते हैं, ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, बारदाना आता है, अभी तो इस तरह की कोई तैयारी नहीं, और कल पता लगेगा कि सरकार ने क्या तैयारी की है। और जो सरकार कहती है कि हम मैसेजेज हमने किसानों के पास भेजे हुए हैं कि वो कणक ले जाएगा, अभी तक तो मेरे को कोई जानकारी नहीं कि किसी किसान के पास कोई मैसेज गया। तो सर अगर सफाई की बात करें, सफाई की व्यवस्था भी नहीं दिखाई दी मंडी में, और जो सेक्टरी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी जो पूरी हो चुकी है? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से जो वगैरह की और जो सफाई की अभी कोई अच्छी व्यवस्था दिखाई नहीं। कुछ आप लोगों को भी कुछ है जो कमीशन एजेंट उनको भी कुछ समस्या आई है सर? हाँ, जो हमारी पेमेंट कह रही थी किसान की, हम पेमेंट जो है पहले आर्थिक खाते में करेंगे और जो किसान मांगेगा उसके खाते में करेंगे, लेकिन अब सरकार कहती है कि हम सारी पेमेंट किसानों के खाते में करेंगे, जो सरासर कुछ है। और भी जो हमको साहब ने बताया कि पिछला जो बकाया भी सरकार, पिछला GD का बकाया भी है जो हमारे किसान सरकार ने अनाउंस किया था कि हम उनको 12% ब्याज देंगे जो इनकी पेमेंट लेट होगी, वो अब तक 2 साल हो गए कुछ। तो कुछ जे फार्म का कुछ आप बताएं? जे फार्म का था, जे फार्म पे सरकार कहती है कि जो आप मजदूरी है किसान की आप उससे नहीं काट सकते, उनको सीधी डायरेक्ट पेमेंट जाएगी 1975 की। अगर हम उनसे अपनी मजदूरी ले सकते तो आप फिर उनसे मजदूरी लेंगे कैसे किसान? तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि सरकार की जो तैयारी पूरी है कल की जो गेहूँ खरीद की शुरुआत है? मेरे को तो लगता है। आपका परिचय सर? रजनीश चौधरी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक